हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एनिमल किंगडम्स की कुछ और टॉपिक्स की ट्रिक्स बताने वाला हूं कि किंगडम्स के एग्जांपल हमें ट्रिक्स के द्वारा कैसे याद करने हैं तथा सारे एग्जांपल ट्रिक्स के द्वारा आपको याद करा दूंगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इन वीडियो को जरूर देखें। तो अब हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज की। तो प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सामान्यतः कुछ ही एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? एक या दो एग्जाम्पल ही है। तो सबसे इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक में ये है कि प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। प्लेट में फूड हम कितनी बार खाते हैं? नॉर्मली 3 बार खाते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ में अगर खाने की बात करें तो 3 बार प्लेट में फूड 3 बार खाते हैं। प्लेट में फूड कितनी बार खाते हैं? 3 बार खाते हैं। प्लेट से हो जाएगा हमारा प्लेटी हेलमिंथीज, फूड से हो जाएगा फेस्युला, टीन से हो जाएगा टीनिया। तो हमारा प्लेटी हेलमिंथीज किंगडम के एग्जांपल्स क्या हो गए? पूरे। क्या हो गए? प्लेटी हेलमिंथीज के एग्जांपल पूरे। आप में से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी है तथा इस ट्रिक्स के अंदर कुछ और अगर बदलाव करना हो, कुछ और एग्जांपल जो मेरे से छूट गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फिर हम बात करते हैं एस के हेलमिंथीज। तो एस के हेलमिंथीज के अंदर जो सामान्यतः अगर हम एस्केरिस की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? गोड़ होता है। कैसा होता है? गोड़ होता है। और उसके अंदर फीमेल कैसी होती है? नॉर्मली गोड़ होती है। उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है, गोड़। और उसके बाद वो कैसी बनाती है? हुक जैसी संरचना भी बनाती है। यो क्या बनाती है? हुक भी बनाती है। और वो कैसे हो जाती है? राउंड भी हो जाती है। तो एस के हेलमिंथीज को गोल हुक से पकड़ते हैं तो उसको हमें क्या होता है? एहसास होता है। यहाँ क्या होता है? फील होता है। क्या होता है? फील होता है। तो एस के हेलमिंथीज को गोल हुक से पकड़ो और क्या करो? फील करो। एस के हेलमिंथीज को गोल हुक से पकड़ो और फील करो। तो इसके अंदर हुक से क्या हो गया? हुकवरम। गोल क्या होता है? राउंड होता है। राउंड को गोल कहते हैं तो उससे हो जाएगा राउंड वरम। एंड फील से क्या हो जाएगा? फाइलेरिया वर्म। क्या हो जाएगा? फाइलेरिया वर्म। तो ये एग्जांपल प्लेटी हेलमिंथीज के। दूसरा एग्जांपल किसका है? एस के हेलमिंथीज का। फिर हम बात करते हैं इससे आगे के कुछ और एग्जांपल्स की। तो फिर हम बात करते हैं एनेलिडा की। तो एनेलिडा के अंदर अगर हम एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर होता है एक नर ने हीर के क्या लिए? 7 फेरे। एक नर था, उसने हीर क्या होती है? नॉर्मली नारी को भी हम क्या बोलते हैं? हीर कहेंगे। क्या कहेंगे? हीर के क्या लिए? 7 फेरे। एन से क्या हो गया? एनेलिडा। नेर से क्या हो गया? नेरिस। हीर से क्या हो गया? हीरोडिनेरिया। फेरे से क्या हो गया? फेरे टीमा। क्या हो गया? फेरे टीमा। तो आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताए। और फिर हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा की। तो ऑर्थोपोडा के अंदर क्या आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं इंसेक्ट, कीट आते हैं। किसके अंदर? ऑर्थोपोडा के अंदर। तो हमारे जो चारों ओर क्या है, जितने भी कीट पतंग है, जितने भी जो इंसेक्ट है, उन सारी चीजों को नॉर्मली अगर हम उसके हिंदी के नाम को याद रखते हैं तो हमें सामान्यतः पता चल जाता है कि ये क्या है? कीट है। और कीट सारे जितने भी है, इंसेक्ट सारे है, वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर। किसके अंदर? ऑर्थोपोडा के अंदर। तो इसके एग्जांपल्स को आपको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे याद करने हैं, इसके ऊपर भी ट्रिक बनाओ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ पे तथा इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10 से 20 लाइक हो जाने के बाद में मैं आपको इसके ऊपर ट्रिक्स भी लेके आ जाऊंगा। थैंक यू।